अगर आपके घर में अपराजिता का प्लांट लगा हुआ है और उसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है या फिर प्लांट बढ़ नहीं रहा है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको किस तरह से उसको फर्टिलाइज़र और कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है जिससे उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार अगर आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र करेंगे या उस तरह से केयर करेंगे तो आपके प्लांट में ज़रूर फ्लावरिंग होगी। एक बार दी हुई जानकारी आप लोग अपने प्लांट में ज़रूर आजमाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ केयर विद गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ इस अपराजिता प्लांट के बारे में, जिसको शुभ प्लांट भी कहते हैं। ये घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये देखिए, मेरा प्लांट छोटे से डिब्बे में लगा हुआ है जो कि फिनाइल का डिब्बा है, और उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। तो मैं इसके बारे में सारी जानकारी दूंगी कि किस तरह से इसको मैंने ग्रो किया था, और ये शुरुआत में इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही थी तो इसमें फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो गई है। इसको मैंने कटिंग के द्वारा लगाया हुआ था, इसको कटिंग और सीड दोनों तरह से लगाया जाता है। तो आइए मैं बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको लगाया हुआ था। इस तरह से इसकी देखभाल करेंगे तो ये छोटे से छोटे पॉट में भी आपको फ्लावर देंगे। जब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी तो इसमें मैं रिवर सैंड और गोबर की खाद और मिट्टी तीनों को एक में मिक्स करके, और वो पहले से रखा हुआ था करीबन 15-20 दिन से, उसके बाद उसी में मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई थी। और ये देखिए कितना प्यारा फूल खिला है और प्लांट कितना बुसी हुआ है और पूरा हेल्दी दिख रहा है। तो कुछ दिन तक तो पहले तो कटिंग लगी, उसके बाद इसमें जो है एकदम बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। मेरा प्लांट कुछ इस तरह से बुसी हुआ था, लेकिन इस तरह से था। फिर उसके बाद मैंने इसमें इसकी गुड़ाई की और उसके बाद इसमें खाद डाला, फिर उसके बाद फ्लावरिंग स्टार्ट हुई। तो मैंने क्या क्या खाद डाला वो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को करके बताऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा इसकी गुड़ाई कर लेना है ऊपर ऊपर से, और गुड़ाई करने के बाद करीबन 2-3 इंच तक इसकी मिट्टी जो है वो निकाल लेनी है। पानी नहीं हमने इसमें डाले थे तो गुड़ाई करते नहीं बन रहा था, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। उसके बाद मिट्टी जो है वो थोड़ा अच्छी हो गई, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ाई करके और मिट्टी को निकाल लेंगे हम ऊपर से। करीबन आप 2 इंच तक गुड़ाई करिए। अगर आपके फ्लावर नहीं आ रहा प्लांट में तो इस तरह से काम ज़रूर कीजिए, जिससे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कटिंग लगाते समय ऐसा रहता है कि हम उसमें खाद नहीं डालते हैं तो फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं होती है। और ये प्लांट मेरा करीबन 3 महीने का या 4 महीने का हो गया है। मैं इसकी कटिंग ज़्यादा दिन हुआ लगाए, उसके बाद थोड़ी मोटी कटिंग लगाई थी तो वो जल्दी ही चल गई थी। पतली कटिंग भी इसकी बहुत अच्छे से सर्वाइव हो जाती है। और आप इसको सीड से और कटिंग दोनों तरह से आप इसको ग्रो कर सकते हो। तो ये देखिए, हमको मिट्टी इस तरह से थोड़ा निकाल लेनी है, ऊपर की मिट्टी हमने निकाल लिया। और अब इसमें हमने लिया है गोबर की खाद, जो कि एकदम पूरा पुरानी है, 2 मुट्ठी खाद है ये, और बहुत अधिक नहीं डालना है क्योंकि हमारा पॉट जो है वो प्लास्टिक का है और छोटा है, तो हम बहुत अधिक नहीं डालेंगे। अगर आपका गमला 10 या 12 इंच का है, 8 इंच का है, 8 इंच का है तो 3 मुट्ठी ले लीजिए, और अगर 12 इंच का है तो उसमें 4 मुट्ठी आप ले लीजिए। तो मेरा गमला जो है वो प्लास्टिक का पॉट है, 5 लीटर का वो फिनाइल की वो डिब्बा है, तो इसलिए मैं उसमें 2 मुट्ठी। और ये देखिए, थोड़ा सा भिंडी थी और उसी में हमने मिला दिया है। आप कोई भी फल या सब्जी का छिलका डाल सकते हो, क्योंकि फल और सब्जियों के छिलके जो होते हैं वो सड़ने के बाद अच्छी खाद तैयार करते हैं, उनको जो प्लांट को जो कमी होती है वो उनकी पूरी हो जाती है। इस तरह से इसकी लेयर हमको बिछा देना है, दोनों को एक में मिक्स करके इसकी लेयर जो है वो बिछा देनी है। और उसी में कुछ सूखी पत्तियां भी लिया है, जो आपके गार्डन की सूखी पत्तियां निकलती हैं उसको आप फेंकिए मत, अपने प्लांट में इस तरह से आप डालते जाइए तो इसकी भी अच्छी खाद तैयार हो जाती है और प्लांट बहुत अच्छा सर्वाइव होता है। प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और
फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप चाहे फल वाले आपके पास प्लांट हो, चाहे फूल वाले प्लांट हो, आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये देखिए कुछ पत्तियाँ इस तरह से डाल देने के बाद उसके ऊपर आप जो गमले से मिट्टी निकली है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अलग से मिट्टी डालना चाहते हैं तो आप अलग से भी मिट्टी डाल सकते हैं, लेकिन अगर वही मिट्टी डालेंगे तब भी कोई बात नहीं है, खाद तो उसमें पड़ी है। तो इस तरह से पूरा ढक देना है मिट्टी ऊपर से, पहले मिट्टी निकाल लीजिए उसके बाद खाद को इस तरह फैला के फिर उसके बाद ऊपर से मिट्टी आप फैला दीजिए और इसमें फिर वाटरिंग कर दीजिए। इस तरह से आप अपने अपराजिता के प्लांट में एक महीने में ज़रूर एक बार कीजिए, वैसे 20-25 दिन में करिए या फिर एक महीने में, इस तरह से आप ज़रूर करते रहिए तो आपके प्लांट में हमेशा फ्लावरिंग होती रहेगी। तो कुछ बातों का ध्यान रख के हम अपने प्लांट को बहुत अच्छा बूसी बना सकते हैं। और इस तरह से हम पानी डाल देंगे, अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो इसलिए बहुत अधिक पानी नहीं डालना है, बारिश तो हो जाती है तो बहुत पानी अधिक हो जाएगा तो प्लांट सूख जाएगा, तो इसलिए इसमें बहुत अधिक पानी ना डालिए। और ये देखिए करीबन 10 दिन हुआ है इसमें खाद डाले हुए और देखिए कितनी फ्लावरिंग होने लगी है और प्लांट भी हमारा कितना अच्छा बूसी हुआ है। तो इस तरह से के थोड़ा सा केयर करके हम थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बातों का ध्यान रख के अपने प्लांट को हम बहुत अधिक बूसी बना सकते हैं। और ये देखिए कितना हरा भरा है और कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है। तो इस तरह से आप एक महीने में ज़रूर कीजिए, इसकी गुड़ाई कीजिए और इसमें फर्टिलाइज़र डालिए। इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, बस आप गोबर की खाद डालते हैं और फल और सब्जियों के छिलके, तब भी ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना छोटा सा ही पॉट है और इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। तो इस प्लांट को फ्रेंड्स आप लोग अपने घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ पौधा होता है। नाम से ही पता चलता है कि अपराजिता, जो कि किसी से नहीं पराजित होता है, इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है। इसे जड़, तना और पत्तियाँ सबसे दवाई बनाई जाती है। फिलहाल हम उस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। और ये बहुत ही लकी प्लांट है, इसको अपने घर में ज़रूर लगाइए आप, और जब भी लगाइए तो इसको उत्तर दिशा में ही रखिए, क्योंकि इस प्लांट को लगाकर उत्तर दिशा में रखा जाता है। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।